हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। और जो मैंने देखिए कल एक ए पैटर्न आपको समझाया था, और उसी ए पैटर्न के साथ देखिए आज मार्केट ने काम किया। वो ए पैटर्न कैसे काम किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ए पैटर्न ने जो काम किया वो कैसे काम किया वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब आगे बाजार क्या कर सकता है, आगे बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर पहले से हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सुझाव आप मुझे कमेंट करके चल सकते हैं। अब देखिए, जो ए पैटर्न मैंने समझाया था उसका काम कैसे हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड आपके जो बायर एक्टिवेट है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो देखिए आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलती जब आपके FIS काफ़ी अच्छा इस जगह माल खरीदते हुए दिखाई दे भी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए हमको एक सेलिंग देखने वाली, क्योंकि ये आपका सितंबर का लास्ट का मंथ था और वहाँ से हमको ये कंटिन्यू एक सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही थी। और ऊपर वाला जो प्राइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो प्राइस था ये वो प्राइस था, यहाँ पे देखिए बाजार ने क्या किया था इस जगह, अगर आप देखो तो यहाँ पर बाजार ने इस जगह FIS ने बाइंग किया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि FIS ने इस जगह बाइंग किया था, जो कि ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास का इस जगह बाइंग था। जो उसके बाद देखिए जैसे ही ये SL हिट होना चालू हुई उसके बाद बाजार आपका नीचे की साइड आया। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ आपका ये नहीं है, मेन चीज़ है इस जगह, यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो कॉलम था, देखिए यहाँ पे जो आपका अगस्त और सितंबर के बीच में, ठीक है, अगस्त और सितंबर के बीच में यहाँ पे अगर आप देखो तो जिन लोगों ने काम किया होगा ना इस समय, उन सभी को बताया कि यहाँ पे देखिए जो आपके सेलर एक्टिवेट थे, क्योंकि बहुत ही छोटी रेंज में बाजार काम करता था, बहुत ही छोटी रेंज में ओपन हो जाता था और पूरा दिन उसी रेंज में अंदर काम करता रहता था, उसी रेंज के अंदर काम करता था, ठीक है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट वाला देखिए यहाँ पे आपको इस जगह ट्रेड देखने को मिलते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि बाजार जैसे ही देखिए ऊपर जाना चालू हुआ, यहाँ पर भी आपके बायर एक्टिवेट थे। मेन पॉइंट था इसका हाई, ये वाला जो हाई जो कि ऑलमोस्ट इस जगह मुझे उस समय देखने को मिला था 51,700 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए जैसे ही हमको ये आपको तेज़ी देखने वाली, इसके बाद जो एक का ये आपका ये पूरा पैटर्न बना वो यहाँ से देखने को मिला ये वाला, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये आपका पहले क्या था, हाई था और प्लस प्लस आपका ये रेजिस्टेंट था, ठीक है, हाई और प्लस रेजिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए जब भी रेजिस्टेंट को बाजार ब्रेक करता है, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि जब भी रेजिस्टेंट को ब्रेक करता है बाजार उसको क्या करता है, टेस्ट करने आता है, यहाँ पे टेस्ट करने आता है, ठीक है। और वो चीज़ें यहाँ पे हमको देखने वाली, बाजार यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब जो नीचे वाला जो लेवल था ये पूरा, ये आपका बायर का लेवल है, ठीक है, ये आपका बायर का जो कि आपका 51,400 के आसपास, इतनी चीज़ें समझ में। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कल बाजार कैसे काम कर सकता है उसके क्या पैटर्न होंगे वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आज आपको पता है क्या हुआ, आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, बहुत चीज़ें हमने सीखा। और ऐसा नहीं है कि आप पैसा बहुत कमा सकते हो, आप बिजनेसमैन बहुत अच्छे बन सकते हो, ठीक है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। और आज वो चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि आप किसी भी पार्टी के नेता को देखिए या आप इस चीज़ को देखिए कि भाई कोई सा भी बड़ा बिजनेस है, लेकिन इनको अगर आपने देखा हो ना, रतन टाटा सर को, तो सर किसी पार्टी से बिलोंग नहीं थे, किसी पार्टी को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप पैसा कितना भी कमाओ, कितना भी चीज़ें आप करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस पैसे को यूज कैसे कर रहे हो। अगर आज आप देखो ना तो ऐसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जो दान ही नहीं करना चाहते, उनको बस अपनी वेल्थ बनानी है, वेल्थ बनानी है, वेल्थ बनानी है, दान ही नहीं करना चाहते। और कहते हैं तो भाई, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बता बता के दान करता है, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि पता चलता है यार कौन कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें समझ में आती है। आज अगर मैं बात करूँ, ऐसा कोई ग्रुप होता अगर इतना बड़ा हादसा हो जाता, ठीक है, तो वो ग्रुप के शेयर कितने गिर जाते हैं आपको पता है, लेकिन एक अच्छी कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, पता चलता है कि भाई
आज भी अगर आप उन कंपनियों के शेयर देखोगे ना, अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे। तो ये अच्छी कंपनियों की पहचान होती है, पहचान करना सीखिए, जीवन में बहुत काम में आती है। और मैं क्या ही बोलूँगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा ए पैटर्न बना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक अच्छी तेज़ी देखने वाली, जो हमारे कल के टारगेट थे वो टारगेट हमारे एक जगह देखने को मिले। अब यहाँ पे बाजार क्या कर सकता है, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट हमको देखने वाला। अब यहाँ पे देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे हमको क्या क्या चीज़ें समझना है, ठीक है। नीचे से अगर आप देखो, बायर अच्छा खासा तेज़ी देखने वाला। अब ये वाला जो प्राइस है, जो कि हमारा 51,600, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट हम इस जगह 400 से लेके 500 पॉइंटों के आसपास का एक मूवमेंट देख सकते हैं अपसाइड, ठीक है। 400 से लेके 500 पॉइंटों का एक मूवमेंट देख सकते हैं अपसाइड, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका इस जगह 52,000 के आसपास का एक लेवल हमको देखने को दिखाई दे सकता है। जो कि आपका देखिए, यहाँ से ये राउंड पैटर्न बना है और यहाँ से लेके इस जगह तक आ सकता है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, ठीक है। अगर ये गैप सिंपल ओपन होता है तो हमको तेज़ी देखने को लगेगी, लेकिन अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो 52,200 से लेके 52,000, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पे हमको न्यू बाइंग नहीं करना है, यहाँ पे हमको नई पोजीशन नहीं बनानी, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। यहाँ पे हमको नई पोजीशन बनाने से ने थोड़ा बचना है, ठीक है। इस जगह हमको थोड़ा नई पोजीशन बनाने से बचना है इस जगह, ठीक है। नीचे सपोर्ट क्या है, तो नीचे सपोर्ट अगर आप देखो तो नीचे अब आपका एक प्राइस सपोर्ट है, जो कि आपका 51,000। एक तो देखिए, ये साइकोलॉजी प्राइस हो गए, प्लस इस प्राइस से आपका बाजार कितना ऊपर है, इस प्राइस से आपको 550 पॉइंट आपका प्लस में है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ तक जाता है तो एक तो आपका 550 पॉइंट आपका जो प्लस में वो नेगेटिव में होगा, यानी वो भी करेक्शन में हम गिनेंगे। और करेक्शन में जाने के बाद जो बाजार आज चला है या एक अच्छी तेज़ी हमको जो देखने वाले, तो करेक्शन आ भी जाएगा तो यहाँ पे जो बायर हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, ये फिर से बाजार को ऊपर की साइड लेके आ जाएंगे। इसको और अच्छे तरीके से हम इस जगह 1 आवर्स के चार्ट पे देखें, यहाँ पे समझते हैं। 1 आवर्स के चार्ट पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो सेलर एक्टिवेट थे, ठीक है, यहाँ पे ये आपके सेलर एक्टिवेट थे, बायर के यहाँ पे क्या किए, SL हिट किया, और ये कंटिन्यू आपके सेलर नीचे की साइड बाजार को लेके आते रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखो, एक वी पैटर्न बना था, इसको हम कहते हैं एक वी पैटर्न, ये आपका वी पैटर्न बना है। और वी पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे एक यू पैटर्न भी आपका यहाँ पे बन गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझो कि जो वी पैटर्न है, इसका जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आज का रेजिस्टेंस देखने वाला। अब इसके बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पूरा जगह खाली है। अब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे समझो, जब ये वी पैटर्न बना था ना ये वाला, तो यहाँ पे ये आपके नीचे की साइड तक ये आ नहीं पाए, जो आपके सेलर थे ना वो आ ही नहीं पाए, और यहाँ से बाजार को ऊपर की साइड लौटा दिया। यानी यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि जो नीचे की साइड आपके जो इस जगह जो बायर है वो एक्टिवेट है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट है, तो इसके ऊपर अगर निकालेगा तो यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। और फिर नई जो तेज़ी हमको देखने को लगेगी, फिर वो हमको 52,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर देगा, किस तरीके का कैंडल बनना है, उसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। लेकिन व्यू थोड़ा तेज़ी की साइड है, नीचे आता है तो वहाँ पे हम इस जगह थोड़ा बाइंग करके चल सकते हैं नीचे की साइड, ठीक है। ये वाला जो प्राइस है हमारा, जो कि हमारा 51,000 का इस जगह लेवल है, क्योंकि ये सपोर्ट वाला लेवल है, ठीक है। बाकी अगर मैं इस जगह देखता हूँ तो आपको अमेरिकी मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। डाउ जोन में तेज़ी हमको दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डाउ जोन भी देखिए, इस जगह डाउ जोन में मॉर्निंग के समय अब जब ओपन हुआ था अच्छी खासी तेज़ी थी, अभी इस जगह एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो नेकडेस में भी करेक्शन है, SPM 500 में भी करेक्शन है, तो हल्का फुल्का करेक्शन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी करेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। और ठीक है, करेक्शन है, लेकिन अपने हाई से करेक्शन है, ये चीज़ें भी हमको पता होना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।